हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ गाइस। और अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और आज मुझे बहुत लेट हो गया नहाने में, क्योंकि मैं थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह करने लग गई थी और रात को बारिश हुई थी, तो बारिश से थोड़े बहुत कपड़े जो हैं गीले हो गए थे, बौछार से बालकनी में ही सूख रहे थे, तो उन्हें भी मैं थोड़ा उलट पुलट की, तो इन सारी चीज़ों में काम में बहुत टाइम जो है मेरा आज ख़राब हो गया। और मैं ना ही नहीं थी तो ये भी नहीं नहाया था शिवांश भी, तो मैंने सोचा चलो इसे पहले नहला देती हूँ, उसके बाद मैं नहा लूँगी। भगवान की पूजा आरती और नाश्ते का काम जो है नीतू संभाल रही है, और मैं जो है ऊपर का जो भी काम था वो सारा कुछ कर ली, तो मिलजुल के हो जा रहा है। दोनों बहनें आराम से जैसे जिसको जो समझ में आता है वो कर लेते हैं। नहाने के बाद पूजा की, नाश्ता की, और उसके बाद इनके साथ मैं मार्केट चली गई थी, थोड़ा बहुत सामान लेकर के आई हूँ, तो वही सब अभी मैं थोड़ा बहुत धोऊँगी, क्योंकि फल फ्रूट जो भी लेकर के आओ हाथों हाथ धो लो तो सूख जाएंगे, क्योंकि मौसम भी जो है अभी ख़राब सा ही हो रखा। अगर पैकेट्स में ऐसे ही सब्जियां छोड़ दी ना तो फिर सब्जियां गल भी जाती है, ख़राब हो जाती है, तो मैं यही सारा कुछ यहां से उठा करके बाहर बालकनी में रख लूँगी। आलू मैं नहीं धोने वाली हूँ, क्योंकि आलू ये बोल रहे हैं आलू गीला मत करना नहीं तो ख़राब हो जाएगा, ऐसे ही रख दो, बाकी और सारा कुछ जो सब्जी फ्रूट है वो धो लो तुम, तो बस मैं वही धो रही हूँ। तो आप लोग व्लॉग में बने रहिए, लास्ट तक ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को।
मैंने वॉश कर ली और करने के बाद यहीं जंगले पे ही सारी डलिया रख दी हूँ। जब पानी झड़ जाएगा तो शाम से एक फ्रिज में लगा दूँगी। और बालकनी भी जो है थोड़ी गीली हो गई थी और गंदी भी थी, तो मैंने धो दी है और साफ़ हो जाएगी, सूख जाएगी अच्छी से, तो अच्छा लगेगा। बारिश के मौसम में वैसे भी किचकिच मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, तो बालकनी भी अच्छी से मैं वाइपर से जो है सुखा दूँगी। देखो जरा देखो, डंची के डंडन। हाँ बाबू, बदमाशी मत कर।